नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। रोहतक की जनता कॉलोनी में होटल संचालक दंपति का हत्यारोपी बेटा तरुण पुलिस के हाथ लग गया है। तरुण को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने चार टीमों का गठन किया था, जो लगातार छापामारी कर रही थी। आखिरकार पुलिस ने दो दिन बाद आरोपी को काबू कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार लोहबच ने बताया कि दंपत्ति को गोली मारने के बाद तरुण सीसीटीवी में गेट से निकलता हुआ दिखाई दिया था, जो काफी तेजी में था। पुलिस दो दिन से इसे ढूंढ रही थी, रेलवे स्टेशन के आसपास घूमता हुआ दिखाई दिया। पुलिस के अनुसार तरुण ने दो अलग अलग पिस्टल से दोनों को मारा है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसने पिस्टल यूपी से ली थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि जनता कॉलोनी में होटल मालिक चंद्रभान और उनकी पत्नी निशा को मात्र 2 इंच की दूरी से गोली मारी गई है। रोहतक से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। ये दिनांक 22-23 की रात को जो जनता कॉलोनी है उसमें तारा होटल है, तो वहाँ बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कि एक तरुण नाम के एक लड़के ने अपने मम्मी और अपने पापा का गोली मार के कत्ल कर दिया। तो ये जो तरुण है ये एक ड्रग एडिक्ट है और जुआ वगैरह खेलने का आदि है। मृतक हैं चंद्रभान और उनकी जो पत्नी है निशा, निशा उनके बेटे ने ही उनके जानलेवा हथियार से हमला किया है और गोली मार के उनकी हत्या की। तो हमने वहाँ मौके पर जो फॉरेंसिक हमारी टीम को बुलाया, मौका मुआयना किया और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले, तो उसमें ये जो एक्यूज्ड है उनका बेटा, जो बाद में हमने कल शाम रात को इसको काबू कर लिया था तरुण और उत्तम, तो ये गेट बंद करके सीसी फुटेज में बड़ी तेज़ी से जाता हुआ दिखाई दिया था। तो हमने इस संबंध में अपने जो हमने सोर्स लगाए थे साइबर सेल की हमने हेल्प ली थी, रेलवे स्टेशन के आसपास जो कच्चा वेल रोड है वहाँ पे इसको हमने राउंड अप कर लिया था। वजह क्योंकि ये नशे का आदि था और जुआ सट्टा खेलने का आदि था, तो इस पर काफ़ी खर्च चढ़ चुका था और ये चाहता था कि जो इसका पिताजी है होटल की जो या जो अन्य प्रॉपर्टी है इसके नाम कर दे, तो वो इनको सेल करना चाहता था। पहले इसने जो इसकी पूछताछ में जो सामने आया है, इसने अपनी माँ को इसने सिर पर गोली मारी है सामने से माथे के ऊपर, और उसके उपरांत इसने अपने पिताजी को गोली मारी है। माँ को एक गोली लगी है और पिताजी को दो गोली। हाँ, सोते हुए को मारी है और उस दिन पूरी रात भर ये उनसे है ना झगड़ा करता रहा है और 2-2.5 बजे के बाद उसके माँ बाप से उन्हें मालूम हुए हैं, तो तब तक ये उनके साथ झगड़ा कर रहा था। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।